સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ વલસાડ જિલ્લાની. વલસાડ જિલ્લામાં મજૂરી કામ કરવા માટે આવેલા અનેક શ્રમિકોને પોતાના વતન પરત મોકલવા માટે સરકાર દ્વારા કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. વલસાડ જિલ્લામાં મજૂરી કામ કરવા માટે આવેલા અનેક શ્રમિકોને પોતાના વતન પરત મોકલવા માટે સરકાર દ્વારા કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે આ શ્રમિકો પાસે ટ્રેનની ટિકિટના પૈસા નગરપાલિકા દ્વારા લેવામાં આવી રહ્યા છે. ગત રાત્રિ દરમિયાન પણ કેટલાક મજૂરોને નગરપાલિકા દ્વારા ફોન આવ્યો હતો કે તેઓને ટિકિટના પૈસા લઈને નગરપાલિકા પહોંચે અને તેમનું મેડિકલ કરાવે, જેથી કરીને અનેક શ્રમિકો ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને આ સમગ્ર બાબતની જાણકારી કોંગ્રેસને થઈ ત્યારે કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા તમામ વર્ગના લોકોને ટિકિટનું ભાડું આપવા માટેની બાહેંધરી આપી અને આજે સવારે આ તમામ શ્રમિકોને પોતાના વતન જવા માટે ટિકિટ ભાડુંની ચૂકવણી કરવામાં આવી રહી છે. મહત્વનું છે કે લોકડાઉન દરમિયાન છેલ્લા 53 દિવસથી રોજગારી વિના અને ભૂખે રહી પોતાના વતન જવા માટેની રાહ જોતા આ શ્રમિકો સરકાર ઉપર રોષે ભરાયા છે. તેમણે કહ્યું કે આ સરકાર રોજગારી માટે ટ્રેનોમાં લોકોને ચૂસીને ભરી લાવે છે, પરંતુ આ શ્રમિકોને પરત પોતાના વતન મોકલવા માટે તેમની પાસે પૈસા નથી. શું સરકાર એવું કહેવા માગે છે કે વતન જનારા શ્રમિકોએ પૈસા ના હોય તો ટ્રેનના પાટા ઉપર સૂઈ જવું? આમ શ્રમિકો સરકાર પ્રત્યે ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. મિસ્ત્રી જયશ્રી વલસાડ. हम लोग यहाँ बरसों से फेरी का धंधा करते हैं. ट्रेन में कोई ट्रेन के बाहर कोई रेड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन गुजारा करते थे. हमने 22 तारीख का टिकट करा रखा था, किसी तरह किसी मजबूरी से पैसे की व्यवस्था करके टिकट कराया. उसी दिन सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंस कर दिया और हमारे टिकट के पैसे जब्त कर दिए. आज मेरे को 2 महीने होने वाले हैं, भूखे मरने की कगार पर है, मगर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है. मैं पूछना चाहता हूँ व्यवस्था से कि जो हमने टिकट के पैसे 4 महीने पहले 3 महीने पहले फंसाए हैं, उसका पैसा आप रिटर्न दे नहीं रहे हो और ऊपर से मनमानी पैसा वसूल रहे हो. भाड़ा दोगे तो गांव जाओगे, नहीं तो पटरी लेट जाओ. यह सरकार की मंशा है? मैं पूछना चाहता हूँ. एक दिन सामित पात्रा बहुत अच्छी प्रवक्तागिरी कर रहा था, मेरे टीवी पे बोल रहा था कोई टिकट बारी आज तक खुली है जो पैसा वसूल रहा है. अरे टिकट बारी खोलने की तुम्हारी औकात है? टिकट बारी खोलोगे तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो टिकट के पैसे जमा करा के रखे हो उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको. ये सिर्फ लफाजी से नहीं काम चलता है. फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी खाली देश को बांटने में लगी है. मैं एक लाइन अदम गोडवी की कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के इस एहसास को मत छेड़ो, जो दफन है बात उस बात को मत छेड़ो. छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी के साथ, दोस्त मेरे नगहमी मजबात को मत छेड़ो. इतिहास के पन्नों पर इनको ये नाम नहीं दिखाई दिए होंगे, इतिहास के पन्नों पर इनको ये नाम नहीं दिखाई दिए होंगे. भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे बलवान नहीं दिखाई दिए होंगे और आखिरी सांस तक मात्र हिंदुस्तान पर कुर्बान होने वाले उस अशफाकउल्ला खान के बलिदान नहीं दिखाई दिए होंगे. सिर्फ देश को लूटती है, सिर्फ बांटती है. एक एक बोगी में 200-200 आदमी भर भर के लाई गांव से और आज एक आदमी को बिना टिकट ले जाने की क्षमता नहीं है सरकार में. ऐसी सरकार को नकारना होगा, ऐसे लोगों को आईना दिखाना होगा जो देश को लूट रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं. विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और गरीबों को रोड पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं. ऐसी सरकार का पुरजोर विरोध करो. आज हमारे लिए कांग्रेस पार्टी एक मसीहा बनकर उभरी है, जो हमारे गरीबों का सुना और हमको भाड़ा दे रही है कि आप अपने गाँव अपने देश सुरक्षित चले जाओ. मैं माननीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ. मैं तहे दिल से शुक्रिया. जीवन भर हम कांग्रेस के एहसानों से नहीं उबर पाएंगे.